हे गाइस, कैसे आप लोग। मेरा नाम अनिल और आप देख रहे हैं अनिल साइट है यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बताने वाले 2018-20 का जो एग्जाम हो रहा है, फेज वन से लेके 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो फेज 5 से लेकर फेज 11, 12 तक अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका पेमेंट हो गया है लेकिन एडमिट कार्ड समय से नहीं जनरेट हुआ और वो एग्जाम नहीं दे पाए थे, इनके विषय में चर्चा करें। तो फिर सुन लीजिए, 2018-20 के जो छात्र हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ, उनका फी पेमेंट हो गया लेकिन एडमिट कार्ड नहीं जनरेट हुआ था, उसी के संबंध में तो उसी बारे में चर्चा करें। तो चलिए शुरू से अंत तक देखिए और अनिल साइट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए नीचे मिलेगा, और लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने पहले अगर आपने अनिल साइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। तो देखिए, 2018-20 का एक लिस्ट जारी किया है एनसीबीटी ने, नीमी ने, जो जो पेमेंट कर दिए थे और जिसका एग्जाम नहीं हो पाया था, एडमिट कार्ड ही नहीं जनरेट हुआ था। तो उसने 5, 6, 7 और 8 इनका लिस्ट जारी किया है, स्क्रीन पर देख सकते होंगे। और इससे अपने पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, नीचे इस वीडियो के नीचे होता है डिस्क्रिप्शन, वहां पर लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। और उसको उसमें अपना रोल नंबर सर्च कीजिएगा, रोल नंबर सर्च कीजिए तो उससे आपका नाम होता है, तो आपका एग्जाम फिर 24 तारीख के बाद एग्जाम एक कंडक्ट होगा, एक शेड्यूल जिसके हिसाब से आप एग्जाम होगा। और इस पीडीएफ में अगर आपका नाम नहीं होता है, यानी कि आप 8 के बाद 9 या 10 फेज में और आपके इसमें नाम नहीं होगा, क्योंकि ये फेज है 5, 6, 7 और 8 फेज का, इसमें नाम है जो 5, 6, 7, 8 पेमेंट किए थे और उनका एडमिट कार्ड नहीं आया था उन्हीं का। ये सभी इंस्टीट्यूट पूरे भारत के जितने भी हैं उन सभी का इसमें नाम मिल जाएगा, ये सब अपना चेक कर लीजिएगा। और आपको बता दें, जिसका 5, 6, 7, 8 है और जिसे 9, 10, 11, 12 फेज का जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया, उनके लिए क्या है कि वो जल्द से जल्द, यानी कि आप 18 तारीख तक या 19 तारीख तक आप अपना स्कूल में जाकर अपना बता दें कि मेरा भी एडमिट कार्ड फेज 9 का था, फेज 10 का आया था, नहीं आया। और ITI को अपलोड करना है कि वो अपना 8, 9 और 10 का, 9, 10, 11 का जो लड़का उपस्थित नहीं हो पाया एग्जाम, जिसके एडमिट कार्ड नहीं जारी हुआ, उनका लिस्ट दे ताकि उनका भी एग्जाम 24 तारीख तक करा दे। तो आपका 9, 10, 11 या 12 फेज में है तो आप जल्द से जल्द स्कूल जाए और जाके अपना जो भी है जिस रिसिप्ट है उसको दे दीजिए और कहे कि मेरा रिसिप्ट है और मेरा हाल टिकट जनरेट नहीं हुआ था। जल्द से जल्द इसको नीमी की वेबसाइट पर अपलोड करिए, स्कूल ही कर सकता है, इसलिए स्कूल में जाके जल्दी फोर्स करिए ताकि वो 19 तारीख के पहले अपलोड कर दे। और बात रही जिनका नाम है, और जिनका नाम है तो उनका एग्जाम कब होगा, 5, 6, 7, 8 का जो फेज में लिस्ट है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसमें नाम है आपका, तो उनका जो एग्जाम है 24 तारीख के बाद होगा। और ऐसे जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका सभी का एग्जाम 19 के बाद होगा, जो अलग से शायद एक फेज कंडक्ट हो जाए, क्योंकि मैंने भी नीमी से जो एग्जाम कंट्रोलर से बात किया तो उन्होंने कहा कि 24 तारीख के बाद एग्जाम कंडक्ट होगा, जिससे जो भी छात्र की ऐसे प्रॉब्लम्स है उनका एग्जाम हो जाएगा। अब बता दें कि जिनका पेमेंट हो रहा है, पेमेंट डिडक्ट है लेकिन रिसिप्ट नहीं मिल रहा, तो वो अपना मेल चेक करें, मेल पर जरूर आ जाए, आधे घंटे बाद जरूर आ जा रहा है। तो और भी कोई परेशानी है तो नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं, हम उसे जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे और करते हैं। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, वीडियो सब्सक्राइबर बहुत है लेकिन वीडियो में व्यू बहुत कम जा रहा है, तो इसलिए अपने दोस्तों को जरूर शेयर करके जरूर कमेंट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।